कम होगा तो मैं इन्हें अगर खींचूंगा तो ये ज्यादा रेजिस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो जब एनर्जी लेवल डिप्लीटेड होता है, जैसे मोबाइल दिया तो इसकी रेडिएशंस कितना को एनर्जी लेवल खींच लेते हैं उसे चेक करते हैं। Now, this is a crystal. Clear crystal. Now what we'll do, may Reiki energy flow into this crystal to boost the energy of my client. May Reiki energy flow into this crystal to boost the physical energy of my client. May Reiki energy flow into this crystal to boost the physical energy of my client. अब ये अपने हाथ में पकड़ लीजिए, कस के, और 10-15 सेकंड का टाइम देंगे ताकि जो ऑरा है जो उससे लीक हुआ था वो रीबिल्ड हो जाए। और जब ऑरा रीबिल्ड हो जाएगा तो अब फिजिकल एनर्जी बढ़ जाएगी, रेजिस्ट करने की ताकत बढ़ जाएगी। तो कितनी को बढ़ जाती है उसे चेक करते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो शायद ना पहले प्रैक्टिस नहीं थी, अब तीसरी बारी किया तो शायद अभ्यास हो गया, ये भी तो हो सकता है ना। तो पैर एक बार जोड़ लेते हैं तो दोबारा मोबाइल टच करके देखते हैं, क्योंकि बहुत से जिन्हें वहां बैठने के बाद सोचेंगे शायद ना पहली बार दो बार में जोड़ नहीं लगा पाया था, तो इसको फिर पकड़िए सर। तो जैसे ही एनर्जी लीकेज शुरू होगी, फिर मैं 10-15 सेकंड का टाइम इसलिए दे रहा हूँ, जो गैदर हुए थे वो एक बार चली गए। तो जैसे ही एनर्जी लीकेज होती है एक पर्सन जोर लगाने की कोशिश कर ले, थोड़ा सा ऐसे ही घूम जाएंगे। थैंक यू। तो अब देखिए फिर से तो इट इज सो इंस्टेंट द एनर्जी, बिल्कुल। तो क्या है कि